सिद्धार्थ जी आ गए, आ गए बिल्कुल आ गए, चले हाँ टाइम से आ जाते सिद्धार्थ जी, कभी आज तक लेट हुए नहीं कभी भी सिद्धार्थ जी, और हम भी लेट नहीं है सिद्धार्थ जी के लिए बिल्कुल सिट के सिप। और दीप है इससे पहले कि सिद्धार्थ जी से सिटकी सिप ली जाए, सिद्धार्थ जी को बधाई देने का विचार को, सिद्धार्थ जी की कंपनी आर्नाटिक ग्रुप ने 30 साल पूरे किए, कल उसके उसका एक बड़ा प्रोग्राम था, बहुत बढ़िया, शाम को मैं गया भी था उस प्रोग्राम में, सिद्धार्थ जी ने मेरी बहुत खातिरदारी की फॉर ए चेंज, कल सिद्धार्थ जी मेरे होस्ट है तो मुझे पता चला मेरे से ज्यादा बेहतर होस्ट ये है, तो अब मैं अपने आप को ज्यादा सुधार तो नहीं सकता, जैसा हूं वैसे ही 53-54 साल में जाके अब क्या सुधरूंगा, तो मैंने सोचा कि मैं इनको ज्यादा खुश बनने का मौका दूं, जो काम ये ज्यादा अच्छा कर रहे हैं तो सिद्धार्थ जी के आपके लिए, आप इसके लिए तैयार है सर? बिल्कुल तैयार हो, आप बहुत अच्छे होस्ट है, धन्यवाद। थैंक यू सर। बताएं सर आपकी आज की थीम कौन सी चुनी आपने? बिल्कुल जी, आज की जो थीम है वो है रूरल रिवाइवल, ग्रामीण इलाकों में अब रिवाइवल दिख रहा है, इसी का थीम है आज रूरल रिवाइवल। रूरल इनकम का पेस जो है वो रिकवरी दिखेगी FY24 में, इन्फ्लेशन महंगाई थोड़ी सी कूल ऑफ होती दिख रही है, अप्रैल के नंबर अगर देखो तो 4.7% दिखे गए थे, मॉनसून का अनुमान नॉर्मल के तरफ है जिसका बूस्ट डेफिनेटली डिमांड पे दिखेगा, गवर्नमेंट इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में बहुत बूस्ट कर रही है रूरल इंडिया में, क्योंकि इलेक्शंस 2024 में है तो इलेक्शंस के पहले डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर और रूरल पे ज्यादा नजर रहेगी गवर्नमेंट की, और चौथे तिमाही के नतीजों भी ये दिखाते हैं कि इंप्रूवमेंट जरूर दिख रही है रूरल इंडिया में। FMCG का एक आंकड़ा है वॉल्यूम ग्रोथ, ये वॉल्यूम ग्रोथ पिछले छह क्वार्टर्स से पॉजिटिव नहीं दिखा है, जो अब ये क्वार्टर में पॉजिटिव दिखा है, तो जो काफी एक अच्छा दर्शाता है कि जब FMCG में पॉजिटिव वॉल्यूम ग्रोथ आता है तो रूरल इंडिया से आता है, तो हमें लगता है कि वेज ग्रोथ देखते हुए रूरल थीम पे अब फोकस करने की जरूरत है, मॉनसून अब हमारे सामने है जून में, तो आज का जो थीम है वो है रूरल रिवाइवल। रूरल रिवाइवल, ग्रामीण इलाकों में मांग कहां बेहतर होगी, ये है आज की बेहतरीन थीम सिद्धार्थ जी की तरफ से। तो रूरल रिवाइवल की थीम पर सिद्धार्थ जी से जानते हैं वो शेयर जो आपको चुनने चाहिए पोर्टफोलियो में, कितने अनुपात में खरीदने, कितनी कमाई के लिए खरीदने, जरा समझे सिद्धार्थ जी बताएं सर। बिल्कुल सर, चार स्टॉक खरीदने हैं आपको रूरल रिवाइवल में। सबसे पहला स्टॉक होगा FMCG का स्टॉक, वो है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, टारगेट आपको रखना है 1140 का, 1140 30 रुपए लगाए, 100 रुपए में से होम केयर पर्सनल केयर ये सेगमेंट में काफी स्ट्रांग है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, गुड नाइट सिंथॉल ये इनके फेमस ब्रांड्स है जो रूरल इंडिया में यूज होते हैं, चौथे तिमाही के नतीजे अच्छे रहे, मार्जिन 4% बढ़ के आए 20% के करीब, वॉल्यूम ग्रोथ 11% पे और वॉल्यूम्स और इंप्रूव होने की योजना है मैनेजमेंट द्वारा, रीसेंट फॉल जो है इनपुट प्राइसेस रॉ मटेरियल प्राइसेस में ये इनको फायदा होगा और इनोवेशन और प्रीमियमाइजेशन कर रही है कंपनी। दूसरी कंपनी रूरल इंडिया को अच्छे से केटर करने वाली टू व्हीलर स्पेस की कंपनी हीरो मोटोकॉर्प, टारगेट आपको रखना है 3100 रुपए का, 3100 30 रुपए लगाए, 100 रुपए में से टू व्हीलर की कंपनी, सब जानते हैं इसके बारे में क्योंकि वर्ल्ड की सबसे बड़ी टू व्हीलर कंपनी है, प्रोडक्शन वाइज मार्केट शेयर भारत में 32% का है, मार्जिन्स दमदार है, नए प्रोडक्ट्स जो लॉन्च किए इन्होंने जूम न्यू स्प्लेंडर पैशन इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो टू व्हीलर आई है ये सब धूम मचा रही है, कमोडिटी प्राइस के गिरने से इनको भी फायदा होगा। तीसरी कंपनी होगी रूरल रिवाइवल में M&M फाइनेंस, टारगेट आपको रखना है 328 का, 328 का 20 रुपए लगाए, 100 रुपए में से, व्हीकल फाइनेंस का बिजनेस है, ट्रैक्टर फाइनेंस का मेन बिजनेस है इनका और रूरल इंडिया में ट्रैक्टर फाइनेंस स्ट्रॉन्ग जा रही है, निम्स नेट इंटरेस्ट मार्जिन काफी स्टेबल है 8% के करीब, AUM 27% से ग्रो हो रहा है, मुनाफे 14% से और लोन ग्रोथ का ड्राइव बहुत जोरों से चल रहा है, ये कंपनी बेहतरीन है। चौथी कंपनी रूरल रिवाइवल ग्रामीण इलाकों से जुड़ी हुई कंपनी स्पंदना स्फूर्ति, पहली बार ला रहा हूं आप सभी के लिए, टारगेट आपको रखना है 847 का, अंतिम के 20 रुपए लगाने हैं आपको स्पंदना स्फूर्ति में, यह है कंपनी हैदराबाद बेस्ड पर है माइक्रो फाइनेंस की कंपनी,
ये छोटे लोन रूरल इंडिया में देते हैं और इनका एयूएम का जो ग्रोथ है वो 29% से ग्रो हुआ है 8,000 करोड़ के करीब। निम्स मार्जिन आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे 12% के करीब और एयूएम 18,000 करोड़ के तरफ जाने की योजना है। ओवरऑल पर्सपेक्टिव सीएजीआर ग्रोथ 3.5% का आरओए, बेहतरीन कंपनी स्पंदना स्पूर्टी 847 का टारगेट। ये चार ही कंपनियां आप खरीद सकते हैं रूरल रिवाइवल में, 6 से 12 महीने का पर्सपेक्टिव है। तो ओवरऑल गांव से रिलेटेड कंपनी है ये, टाइप टर्न हो रहा है, रूरल इंडिया अब जाग रहा है, तो इसको खरीदा जा सकता है 6 से 12 महीने के पर्सपेक्टिव से। 6 से 12 महीने के लिए ये है रूरल इंडिया पर काम करने वाली 4 बेहतरीन पिक्स जहां पर खरीदारी करने की राय। स्पंदना स्फूर्ति पहली बार सिद्धार्थ जी की रिकमेंडेशन लिस्ट में आई, इस स्टॉक पर भी रखें नजर। गोदरेज कंज्यूमर जैसी कंपनियां पसंद है सिद्धार्थ जी को, तो ये सारे स्टॉक से जहां पर आपके लिए खरीदारी करने का मौका बनेगा। हीरो मोटोकॉर्प भी टू व्हीलर कंपनी धीरे धीरे रिवाइवल के संकेत देती हुई आपके लिए, गोदरेज कंज्यूमर तो पसंद है ही सिद्धार्थ जी को पहले से ही। और इसके अलावा M&M फाइनेंस पर भी रखिएगा नजर। धन्यवाद सिद्धार्थ जी, ये बेहतरीन आइए करते शुरुआत 10 की कमाई की। और हमारे सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, स्पेल मिड कैप स्टॉक्स में कुछ खास मेहमान जुड़ने की तैयारी में।